अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दवाई रही है उसका। पहले शुगर आ रही थी, मतलब फास्टिंग में तकरीबन 180-190-150 तक, और उसके बाद जब खाने के बाद आ रही थी 200-250-300 तक। मुर्शिद के सदके जा रही है। हम एक मरीज अभी मिलने आए, मैं समझा ये दवा लेने आए। आज से एक डेढ़ माह पहले जब मैं मदीने शरीफ आया तो ये मिलने आए थे और दवा लेके गए थे एक हफ्ते की। तभी मैं जैसे ही मिला इन्हें तो मैं पहचाना, मैंने पूछा कि भैया आपने तो एक हफ्ते की दवा ली थी, दोबारा आपने दवा ही नहीं लिया, आज डेढ़ महीने हो गए। तो माशाल्लाह इन्होंने खुशखबरी सुनाई। वो खुशखबरी जब मुझे सुनाई तो फिर वही आंखों में आंसू वाला मामला और खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र वाला मामला। जबकि जब ये पहली दफा आए थे तो बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे शकूक और शुबात थे, जिस तरह हर मरीज के होते हैं। शुगर तो ख़त्म ही नहीं हो सकती, शुगर तो ऐसा मर्ज है कब्र तक साथ जाएगा और न जाने क्या क्या। तो मैंने अभी इनका नाम भी नहीं पूछा है और मुश्किल से हमारी 3 सेकंड या 5 सेकंड की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने कहा बाकी बात हम कैमरे के आगे करेंगे। और इस वक्त आके दो जहाँ के सामने हम तशरीफ हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे आके जी ससम के सामने, रोज़ा रसूल के सामने। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। तेज आवाज में नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अलियास है, इंडिया जम्मू कश्मीर का। इंडिया जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह। तो क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अलियास। मोहम्मद अलियास भाई, माशाल्लाह रोज़ा रसूल में पहले भी इत्तेफाक़ हमारी यही मुलाकात हुई थी माशाल्लाह। तो बताएं आज से डेढ़ माह पहले या एक माह पहले आपने दवा ली थी, क्या माजरा रहा उस दवा का? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दवाई रही है उसका। पहले शुगर आ रही थी, मतलब फास्टिंग में तकरीबन 180-190-150 तक, और उसके बाद जब खाने के बाद आ रही थी 200-250-300 तक, 350 कभी कभी हो जाती थी। लेकिन दवाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 107-108-120 से कम आ रही है। आपने मुझे अभी ये बताया कि अब आप फास्टिंग शुगर चेक करते हैं तो 106-108 तकरीबन 15-17 से नीचे आ रही है। 115-117 से नीचे ही आती है फास्टिंग। और ये कितने घंटे की फास्टिंग चेक करते हैं आप, कितने घंटे खाना नहीं खाया? मेरे ख्याल 12 घंटे तकरीबन 12 घंटे की फास्टिंग। 12 घंटे। और आपने मुझसे सिर्फ एक हफ्ते की दवा ली थी? एक हफ्ते। और दवा छोड़े हुए आज महीना सवा महीना हो गया ना? तकरीबन महीना सवा महीना। और टोटल आपने सिर्फ एक हफ्ते दवा खाई? एक हफ्ते बस। क्या बात है माशाल्लाह। बाकी जो खाने के बाद परहेज वो लगातार है। खाने के बाद आपने शुगर चेक की? खाने के बाद 140-150-160 बस इतनी आ रही है। खाने के 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद 140-150-130 बस इतना आ रहा है, इतनी आती है। और खाने में आप रोटी तो खा रहे होंगे? मेरा रोटी भी खाते हैं, एक में चावल नहीं खाता और दूसरा केला, जैसे जैसे आपने परहेज बताई है। ठंडा वगैरह अभी छोड़ दिया है। नहीं ठंडा तो सब खा सकते हैं, केला गंदम चीनी चावल का परहेज होता है। गंदम तो इधर, बाकी केला और आम का परहेज होता है। गंदम के बगैर इधर और कोई चीज इतना नहीं मिलता, वही खाते हैं बस, रोटी चावल वगैरह नहीं खाते। बाकी फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत चलता है। फ्रूट तो सब खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी सारे ले सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ये तो हो गई ग्लूकोमीटर के अंदर शुगर कंट्रोल, अब वैसे तबीयत में क्या फर्क है? पेशाब में, कमजोरी में, चेहरे में? किसी ने तारीफ की, चेहरे पे रौनक आ गई, लाली आ गई। कमजोरी अभी है थोड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते आस्ते ये भी रिकवर हो जाएगी। तो बाकी पहले के मुकाबले में, पहले के मुकाबले में बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन सवा महीना हो गया आपने मेरी कोई दवा भी नहीं खाई। तो ये बहुत बड़ी एक आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगाई है। और कोई पैगाम देना चाहेंगे कुछ जड़ी बूटी की, बाकी जड़ी दवा के बारे में या कुछ? जिसका कोई भी सवाल है वो आप, ये आयुर्वेदिक दवाई जो भी है ये सबसे अच्छी है, ये सबसे बेहतर, इसका इलाज आस्ता आस्ता है लेकिन इंशाल्लाह मुकम्मल है।
बाकी कुछ भाइयों का सवाल है कि मुझे दमे का इलाज जो है इसके लिए अल्लाह करम कर देगा इंशाल्लाह। सबको सलाम अलैकुम। कोई और पैगाम देना चाहेंगे शुगर के मरीजों को? शुगर के मरीज पूरे दुनिया के मुसलमानों को, डॉक्टर साहब इंडियन पाकिस्तानी बंगाली डॉक्टर साहब के से रब्ता करके जितना भी हो सके तो इलाज शुरू कर लो। अल्लाह के तवक्कुल पर इंशाल्लाह ये मदीने वाली सरकार इधर इंशाल्लाह सब कुछ छुपा देती है। बाकी जो इंडिया में या पाकिस्तान में वो अपने उनने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जो होम डिलीवरी का सिस्टम चल रहा है उससे आप मंगवा सकते हैं। जजाक अल्लाह। खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस मेहरबानी। देखें, वीडियो बनाने का मकसद मार्केटिंग कह सकते हैं आप, मगर यार कमाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। डॉक्टर भाई मक्का मदीना ही क्यों आता है, सोचे जरा। यहाँ अल्लाह जी यहाँ का जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, मुल्तान ही क्यों जाता था। और ये जो एक मामला है ना, मदीना शरीफ तो वैसे ही शिफाओं का शहर है, तो इस ये मामले में अल्लाह ताला एक खिदमत ले रहा है, एक वसीला बना रहा है। शिफा तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, आका जी सज़म की ज़ात रहमतुल्लिल आलमीन ता कयामत, अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में। तो ये जो मूजी अमराज को लेके परेशान होते हैं ना हमारे खास तौर पे मुसलमान भाई, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ कि हर बीमारी से पहले अल्लाह ताला ने उसकी शिफा उतारी है, मगर हमारा यकीन नहीं रहा। बड़ा अफसोस होता है, अक्सर मरीज कहते हैं कि नहीं शिफा, शुगर तो कब्र तक जाएगी, शुगर का तो कोई इलाज ही नहीं है। जब ये इस तरह की वीडियोस कभी फेसबुक यूट्यूब पे होती है तो उस वक्त भी सबसे पहला मैसेज ये तो फ्रॉड है, धोखा है, ये तो जो है ना इतना बड़ा डॉक्टर है इसको तो अमेरिका इसराइल जाना चाहिए। तो मेरे भाई मुझे अमेरिका इसराइल क्यों भेज रहे हो, मुझे मक्के मदीने क्यों नहीं भेजते? वो तो नहीं चाहते कि आपकी शुगर ठीक हो, अमेरिका इसराइल वाले वो तो चाहते हैं जिंदगी भर उनकी दवाएं आप खाएं ताकि उनके किचन चलें, वो असला खरीदें, मुसलमानों पे बारूद और असले से